हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यहाँ पे मतलब समझना है, हाउ इट कैन बी मेजर, और इसको कैसे मेजर करा जा सकता है। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, इसको मेजर कैसे कर सकते हैं, इसको ही हम डिटेल में देखते हैं। बाय द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वी मीन द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड टू चेंज इन एनी ऑफ द थ्री डिटर्मिनेंट्स। किसी भी तीन डिटर्मिनेंट्स में हम चेंज हो सकते हैं। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी। Corresponding to these three determinants, we have three different expressions. अलग-अलग तीन expressions भी हैं हमारे पास of elasticity of demand as follows: price elasticity of demand, income elasticity of demand, or cross elasticity of demand. ये तीन determinants भी हम discuss करेंगे। However, we use the word elasticity of demand without any adjectives. We use refers the price elasticity of demand. ये basically जो word use आता है, ये price elasticity के ऊपर ही use आता है main. By the price elasticity of demand, we mean the responsiveness of the demand for a commodity to a change in its prices. जब भी कोई भी commodity की demand change होती है, उसकी prices के साथ साथ उसके ऊपर conclude किया जाता है, demand for a certain commodity is responsive to the change in their prices, whereas demand for the few commodities does not respond much change in their prices. अब कुछ की demand से थोड़ा बहुत change होने पे उनकी prices के अंदर, मतलब थोड़ा बहुत change होने पे उनकी demand बहुत ज़्यादा change हो जाती है, और कुछ की prices थोड़ा बहुत change होने पे demand पे कोई असर नहीं पड़ता है। The magnitude of this change can be measured with the help of the elasticity of demand. Elasticity of demand से हम इसको measure कर सकते हैं, which we express the percentage change in the quantity demanded divided by percentage change in the prices. जितनी quantity demand में change हुआ है, उतना divided by price में कितना change हुआ है। Corresponding to the above formula, the elasticity of demand have five elasticity, पांच elasticity यहाँ पे। एक तो perfect inelastic demand है, जहाँ पे demand कोई भी change नहीं होती है, मतलब the price जो डिमांड है बेसिकली वो जीरो है। लेस देन यूनिट इलास्टिसिटी और इन इलास्टिक डिमांड को क्या बोलते हैं हम, व्हेन अ परसेंटेज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइसेस। मतलब प्राइसेस तो हमारी चार रुपए से बढ़ रही है, डिमांड हमारी एक से ही इंक्रीज हो रही है, तो मतलब डिमांड में थोड़ा ही चेंज होता है प्राइसेस के ज्यादा चेंज होने से। यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहां पे परसेंटेज जितनी प्राइस की चेंज हो रही है, उतना ही परसेंटेज डिमांड का भी चेंज हो रहा हो, इसको यूनिट इलास्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट, मोर देन यूनिट इलास्टिक का मतलब क्या है, जब परसेंटेज डिमांड की बहुत ज्यादा चेंज हो रही है थोड़े से प्राइस के चेंज होने से। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है, जब प्राइसेस जो डिमांड की है वो इनफाइनाइट तरीके से चेंज होती ही जारी है। मेजरमेंट ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कैसे हम इसको मेजर कर सकते हैं, तो कमोडिटीज बेसिकली जो यूज करती है वो दो मेथड्स यूज करती है, तो टोटल आउटले मेथड और एक पॉइंट मेथड। टोटल आउटले मेथड के अंदर क्या है, बाय द टोटल आउटले वी मीन द टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द कंज्यूमर ऑन अ कमोडिटी। कितना एक्सपेंडिचर एक पर्टिकुलर कमोडिटी के अंदर किसी भी एक कंज्यूमर का लग रहा है। टोटल आउटले कैन बी फाउंड बाय द मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूमर विद देयर प्राइसेस। टोटल आउटले हम कैसे निकाल सकते हैं, कितना यूनिट्स हमारा कंज्यूम हुआ है उसकी प्राइसेस को मल्टीप्लाई करके। When the prices changes, total outlay may change. Prices अगर चेंज होगी तो obviously total outlay भी चेंज होगा ही। It is with the help of this total outlay we can conclude measures the price elasticity of demand and can get the three results. तीन results हमको मिलेंगे, एक तो less than unit elastic, जहाँ पे total outlay हमारा गिर रहा है, with the fall the price and rise with the increase in the prices, बढ़ेगा तो price बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगा और गिरेगा तो price गिरने के साथ साथ ही गिरेगा। इक्वल और द यूनिट इलास्टिक का मतलब क्या है, जहाँ पे टोटल आउटले कॉन्स्टेंट रहता है अलग अलग प्राइसेस के ऊपर भी। मोर देन यूनिट इलास्टिक का मतलब क्या है, जब टोटल आउटले फॉल करेगा प्राइसेस के राइज होने से, मतलब इनवर्स वाली रिलेशनशिप वाला क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल किया जाएगा। यहाँ पे हमने टेबल भी हमने डिफाइन कर रखी है इन दोनों चीजों की, एक में हमने फॉल इन प्राइसेस, राइज इन द प्राइसेस के बारे में हमने बता रखा है। When we can measure the elasticity graphically with the help of the total outlet, total outlet से हम graphically measure कर सकते हैं इसको, demand of the of a unit elastic over the price changes P1 से P2, P से P1, यहाँ पे P से जब P1 के ऊपर जब हमारे पास गया, because the total outlet remains constant, यहाँ पे जो total outlet है वो constant ही है हमारे पास, demand of the inelastic over the prices O टू ओपी, जो डिमांड है वो ओ से ओपी तक जा रही है हमारे पास, विद द फॉल इन द प्राइसेस द टोटल आउटले फॉल्स इन द वाइस वर्सा, तो टोटल आउटले यहाँ पे धीरे धीरे गिरना स्टार्ट होता जा रहा है। डिमांड फॉर द इलास्टिक इलास्टिक ओवर द प्राइसेस P2, पी से लेकर P2 तक जा रही है, इसका मतलब क्या है, टोटल आउटले इंक्रीजेस विद द फॉल इन द प्राइसेस, प्राइसेस गिरने से टोटल आउटले भी हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एंड वाइस वर्सा बोल सकते हैं हम।
नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर पॉइंट मेथड की, तो दिस इज अ ज्योमेट्रिकल मेजर टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ज्योमेट्रिकल मेजर है एक तरीके से इलास्टिसिटी का। इस अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, जितना भी परसेंटेज चेंज होता है क्वांटिटी डिमांडेड का क्यू का, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन दी प्राइसेस, परसेंटेज चेंज इन डिमांड के प्राइसेस के हिसाब से रिलेशन चलता है, मल्टीप्लाई बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी। ये पूरा हमारे पास पॉइंट मेथड से हम निकाल सकते हैं। पॉइंट मेथड यूज होता है इस फॉर्मूले के मेथड बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड बी डिफरेंट इन ईच पॉइंट। हर पॉइंट के ऊपर जो इलास्टिसिटी है डिमांड की वो डिफरेंट ही होगी। ईपी इज लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व डिवाइड बाय अपर सेगमेंट ऑफ इलास्टिसिटी। अगर हमको निकालनी है तो लोअर सेगमेंट से हम अपर सेगमेंट को डिवाइड कर देते हैं। वी कैन ड्रॉ द इमेजिनरी डिमांड कर्व एंड शो द डिफरेंट पोजीशन ऑफ इलास्टिसिटी इन द फिगर। वी हैव मार्क्ड द डिफरेंट पोजीशन ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल इक्वल टू द यूनिटी एट मिडिल पॉइंट पे तो वो क्या करेगा, इक्वल ही चलेगा, जैसे ऊपर वाले डायग्राम में हमने देखा था। लेस देन यूनिट्स बिलो इट एंड मोर देन यूनिट्स अबव इट। लेस देन यूनिट्स के अंदर नीचे जाएगा, मोर देन यूनिट्स में अबव जाएगा। It follows the straight line curve where demand would be higher at the higher prices and lower at the lower prices. Straight line curve बना देगा जब higher होगी higher prices पे और lower हो जाएगी lower prices पे। More specifically the elasticity of demand at the particular point is P upon Q। The elasticity वो P upon Q से हम denote कर सकते हैं। Where the given price of the elasticity is to be measured and the Q is the corresponding quantity to the prices। Q और P को हम denote कर सकते हैं price और quantity से भी। तो ये हमने elasticity के बारे में discuss कर दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।